नमस्कार, मैं हूँ सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर दवे और सेक्स पावर वीडियो में आपका स्वागत है। हमारा आज का सवाल ये है कि जब एक पुरुष का वीर्य स्खलन होता है तो उसमें कितने शुक्राणु होते हैं। आपका सवाल का जवाब देने के लिए मैं ये कहूँगा कि जब एक पुरुष के लिंग से जब वीर्य निकलता है तो उसकी मात्रा लगभग एक चाय की जो चम्मच होती है उसके बराबर होता है। उसके अंदर लगभग 40 से 50 करोड़ शुक्राणु होते हैं। जब यह वीर्य पहले निकलता है तो ये मोटा और गाढ़ा होता है, लेकिन करीबन 3 से 15 मिनट के बीच में ये बिल्कुल ही पतला हो जाता है। तो उसके बाद आपको ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि जब ये वीर्य गाढ़ा और मोटा होता है तो उसके अंदर जो शुक्राणु होते हैं वो चल फिर नहीं सकते, लेकिन जैसे ही ये वीर्य जो है वो पतला हो जाता है, तरल हो जाता है, तो उसमें जो शुक्राणु होते हैं उसकी गति शुरू हो जाती है। कुछ शुक्राणु सीधे जाते हैं, कुछ शुक्राणु इधर उधर बायां से दायां घूमते हैं, कुछ शुक्राणु गोल गोल घूमते हैं, और कुछ जो शुक्राणु हैं उनकी पूछ होती है, कुछ शुक्राणु की पूछ नहीं होती है। तो इस तरीके से आपके सवाल का जवाब यही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो आपके मन में सवाल था उसका मैंने संतोषकारक आपको जवाब दे दिया है।